मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक। पंकज टाकीज रक्सौल में, और आपको बता दे रक्सौल में पहली बार सिनेप्लेक्स आप यहाँ पर एयर कंडीशन में बैठ के एकदम लुप्त यानी कहें तो मजा ले। रक्सौल वासी के हम कोशिश किए कि आप लोग एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा खड़ा हो जाए। एक प्रयास है, एक सपना था हमारा कि एक ना हम लोग गार्जियन बहुत पहले सबसे पहला पंकज सिनेमा आपके शहर में दिए और उस प्रयास को कंटिन्यू करना चाहते थे, कुछ नयापन दें। समय के साथ व्यापार हमेशा चेंज होता है, उसका मान सम्मान, उसका व्यापार का दृष्टिकोण बदलता है। तो व्यापार का दृष्टिकोण ये था कि आज नए माहौल के हिसाब से नया साउंड, नया एसी, जो पब्लिक को डिमांड थी उस हिसाब से हम सोचे कुछ नया करें। कितने सालों बाद ये चेंज किया है आपने? ये अभी सिनेमा हॉल का ये तो उम्र हो गया 46 साल। अप्रैल 25 अप्रैल 1977 में खुली थी और अभी हमारे हिसाब से 46 साल होने चला है। तो एक प्रयास है कि 46 साल के का आर्थिक प्रयास आगे भी कंटिन्यू रहे, आने वाले समय में भी आप लोग को कुछ नयापन हमेशा मिलते रहे। ये 150 सीट है जिसमें ना 20 एन एग्जीक्यूटिव क्लास, जो हम लोग बॉक्स को अब नया एग्जीक्यूटिव क्लास कर रहे हैं, जिसको ना आप फैमिली के साथ भी बैठ कर थोड़ा वीआईपी लॉन्ज में बैठ सकते हैं। और वैसे भी हमारे महाराजा चेयर, पुष्पेक महाराजा चेयर दिए और 3D अलॉन्ग विथ 3D एंड AC एयर कंडीशन हॉल, आपको भी 3D फैसिलिटीज और इसमें 2K फैसिलिटीज भी है। 2K प्रोजेक्टर हम लगाए हैं जिसमें आप ना हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों आप पिक्चर देख सकते हैं विथ अलॉन्ग विथ 3D। सिनेमा वालों के लिए ऑडियंस को हम कहेंगे कि एक आप तो मोबाइल का एक आज के दिन में OTT भी प्लेटफॉर्म है, हमें खुशी है कि एक वैरायटीज आप लोग को मिल रही है, लेकिन उस वैरायटी के साथ साथ थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस भी लीजिए। जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है वो OTT एक्सपीरियंस आपको अच्छा है वो उसमें। अभी आज से आदि पुरुष हम शुरू करने जा रहे हैं, कोशिश है कि थोड़ा आज प्रयास चालू हो जाए, नहीं तो कल, आज नहीं तो फिर कल आपको पूरे आर्थिक प्रयास में मिलेगा। आज हम लोग कोई भी फैमिली के साथ में अगर किसी अच्छे माहौल में पिक्चर देखना चाहते थे तो मजबूरी थी कि नहीं देख पाते थे, और अभी जैसा माहौल हम लोग को यहाँ मिलेगा इससे हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन उठा सकेंगे, मनोरंजन कर सकेंगे। और आज रक्सौल का इससे भी एक ये चीज़ होता है कि अब रक्सौल हमारा व्यवसाय के रूप में और भी आगे अग्रसर हो रहा, क्योंकि अच्छे अच्छे सब कंपनियों के यहाँ पर मॉल खुल रहे हैं। उसके अलावा आज ये जो हम लोगों को जो पंकज और सीमा के प्रयास ने जो है यहाँ पर जो इतना बढ़िया माहौल दिया है, और मैं ये भी बता दूं कि हम लोग लायंस क्लब के ये दोनों लोग चार्टर्ड मेंबर हैं और हम लोग पूरा इनको पहले से हम लोग भी प्रोत्साहित करते आए हैं कि भाई रक्सौल में कुछ ऐसा माहौल मिले जिससे कि लोग मनोरंजन वाले उसको मनोरंजन का लुत्फ उठा सके। पहले तो हमारे बड़े भैया पंकज जी जो गार्जियन हमारे हैं उनको दिल से धन्यवाद कि हमारे युवाओं के लिए कुछ नया लेके आए। आप देख रहे हैं कि रक्सौल में बहुत सारा कमी है, लेकिन यहाँ के युवा मूवी देखता है, बट देख लीजिए बगल देश हमारे नेपाल जाके देखता है, यहाँ से ज़्यादा पैसा हज़ारों रुपये खर्चा करके एक मूवी देखता है। और इसके लिए दिल से भैया को धन्यवाद, क्योंकि हमको लगता है कि वहाँ से कई गुना कम चार्जेज में और इतना अच्छा जो AC के साथ 3D का मज़ा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और युवाओं से आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से एक मेरा संदेश है कि आप लोग एक बार यहाँ आएँ और एक बार 3D और AC का जो बना रखे है इतना खूबसूरत, एक बार एयर कंडीशन का मज़ा लें। रंजीत जी क्या कुछ कहिएगा, जितना बढ़िया रक्सौल में सिनेमा हॉल खुल गया, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि जिस फिल्म को देखने के लिए हम लोग पटना, मुंबई, दिल्ली के लिए जाया करते थे कि भाई देखा जाए यहाँ बहुत बढ़िया हॉल है, हमारे रक्सौल में इस तरह का नहीं है। और आज पंकज जी के द्वारा जो ये संचालन में लाया गया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, ये अपने पिताजी के विरासत को जो आगे बढ़ा रहे हैं हम सभी के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। अच्छा ये जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और पंकज बाबू को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारे बाहर की तुलना हमारे शहर रक्सौल शहर के लिए हुआ, इसके लिए पंकज बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ से जाकर वीरगत देखते थे, इतने छोटे शहर में इतनी बड़ी बात, वहाँ इतनी बड़ी काम हुआ, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चाहेंगे कि बड़े पर्दे का तो मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन मुझे याद है आज से बहुत साल पहले गदर फिल्म लगा हुआ था सोना टाकीज में, जब मैं गदर फिल्म देखने गया उसके बाद से मैंने रक्सौल का हॉल को भूल ही गया, उस हॉल को उसके बाद से रक्सौल के किसी हॉल में फिल्म देखने में गया ही नहीं, लेकिन आज परेशान हुए। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रक्सौल में ऐसे हॉल हमारे पंकज अंकल जी के द्वारा खुला गया है। अब देखने आइएगा, अब तो हमेशा देखने आएंगे, जो फिल्म लगेगा उस फिल्म को देखने में लोग आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत अच्छी बात है रक्सौल के लिए, इसी से पता चलता है कि रक्सौल बदल रहा है और रक्सौल के अच्छे दिन आ गए हैं। और सबसे पहले तो मैं पंकज जी और सीमा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगी कि रक्सौल में इस तरह का हॉल का शुरुआत हो गया है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उन महिलाओं को क्या कहिएगा?
महिलाओं लोग को बोलूंगी यही कि अब और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, हम अपना घर में ही देख सकते हैं, रक्सौल हमारा घर है और रक्सौल में निश्चिंत होकर आराम से बेफिक्र होकर आप लोग आइए और इन्जॉय कीजिए, लाभ उठाइए 3D हॉल का जो पहली बार रक्सौल पे है स्टार्टिंग हुआ है। पहले जो सिनेमा हॉल नहीं था, अभी आप अच्छे से चेयर पे बैठी हुई हैं, एसी में बैठ के मनोरंजन कर रही हैं, कैसा फील हो रहा है? देखिए मैं बहुत बड़े पर्दे की बहुत बड़ी शौकीन हूँ और बहुत रेगुलर कस्टमर हूँ इस सिनेमा हॉल की, शायद यहाँ के सारे स्टाफ मुझको पहचानते, मैं इतनी पिक्चर्स देखने आती हूँ, हर पिक्चर ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ, लेकिन खटक जाता था जब कोई पिक्चर 3D में रिलीज होती थी और बहुत इच्छा होते हुए कभी कभार तो मैं पटना तक गई हूँ देखने के लिए, कोई पिक्चर ऐसा मन हो जाता है कि जाके अच्छे हॉल में देखें, तो उस समय बड़ा अफसोस होता था कि काश यहाँ पे भी एक सिनेमा हॉल होता जिसमें हम लोग एंजॉय करते हैं। मतलब आप रक्सौल से नहीं है? जी नहीं, मैं रक्सौल से ही हूँ। तो इतना ज्यादा अगर देखने का आपको ये था, अच्छा लग रहा बहुत है, बहुत बेहतरीन, मतलब मेरे लिए तो इससे बड़ा खुशी का मौका कुछ हो नहीं सकता, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, इतनी एक्साइटमेंट है मुझे इस बात की कि आप एक 3D हॉल खुल गया। मैं बहुत दिनों से पंकज बाबू से बोलती भी थी कि कुछ करिए एंटरटेनमेंट के लाइन में, कुछ बढ़िया बेहतरीन करिए, आज ये हो गया है तो मतलब मेरी खुशी की सीमा नहीं। बहुत बहुत और भी आगे भी बहुत सी बातें बांधने वाले हैं।